एक दिन पहले ग्वालियर हाईकोर्ट के वकीलों के साथ हुई लूटपाट की घटना के खिलाफ चलाई बसक संघ ने काम बंद कर एक ज्ञापन सौंपा। अभी विगत दिनों ग्वालियर हाईकोर्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी गण के साथ जब वो जबलपुर से ग्वालियर लौट रहे थे, तब मालथौन से 4 किलोमीटर पीछे नेशनल हाईवे के ऊपर अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार को रोका, कार को पंचर किया, फिर उनके साथ भीषण मारपीट की। वो दरिंदगीपूर्ण मारपीट इतनी भयानक थी कि अगर गांव के लोगों ने बचाने नहीं आते तो निसंदेह उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकती थी। पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी अभिभाषक हैं, 1 लाख अभिभाषक गण ने उनके साथ ग्वालियर के अध्यक्ष महोदय और अन्य अभिभाषक लोगों के साथ की गई इस जघन्य नृशंस मारपीट के विरोध के परिणाम स्वरूप आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपने न्यायालयीन कार्यों को बंद रखा है और स्टेट गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस प्रकार से अनुरोध किया है कि वो तत्काल अपराधी लोगों को गिरफ्तार करवाएं और उनको इस प्रकार की जो अमानुषिक पाशविक पैसाचिक जो वारदात की है इसके खिलाफ उन लोगों को स्पष्ट मुकाम तक पहुंचाएं। आज इसी प्रकार का ज्ञापन हमने SDM महोदय के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय की सेवा में प्रेषित किया है।